हेलो स्विमर्स, वेलकम बैक टू स्विम्स एंड हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसके बगल में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो जैसे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड सेकेंड है कि आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पर जाएँगे और स्विम्स एंड हिंदी को सर्च कीजिए एंड उसको लाइक कर लीजिए ताकि कोई भी आर्टिकल या वीडियो जब वहाँ अपडेट हो तो आपको भी वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्री स्टाइल में कैसे लास्ट के फिनिशिंग स्ट्रोक को परफेक्ट बनाया जाए एंड उसकी हेल्प से टाइम को कैसे कम किया जाए, क्योंकि लास्ट के 15 मीटर से ही आपकी जीत या हार तय हो जाती है। एंड आपने देखा होगा कि 50 एंड 100 मीटर फ्री स्टाइल में ऑलमोस्ट सारे स्विमर रेस का 90% पार्ट एक साथ ही स्विम करते हैं, लेकिन लास्ट के 15 से 20 मीटर से ही आपको पता लगने लगता है कि फर्स्ट प्लेस के ज़्यादा करीब कौन है। तो लास्ट के 15 से 20 मीटर की फिनिशिंग स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं रेस को तीन पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा, जो है कि प्रोमिनेंट स्पीड, स्ट्रेट आर्म एंड थर्ड है टचिंग विथ रोटेशन। तो 90% रेस आपको अपनी प्रोमिनेंट स्पीड में करनी होगी, यानी आप अपनी 95 से 100% स्पीड में स्विम करेंगे। सेकेंड लास्ट है कि 15 से 20 मीटर से आप अपनी किक की फुल स्पीड रखते हुए स्ट्रेट आर्म का यूज़ करेंगे एंड लास्ट के टचिंग स्ट्रोक के साथ आप अपनी बॉडी को रोटेट करते हुए वॉल को टच करेंगे। रोटेट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप साइड में ब्रीथ लेते हैं तो उसी तरफ से ब्रीथ लेते हुए आपको अपनी बॉडी रोटेट करते हुए वॉल को टच करना है। ओके, तो आप इन तीनों चीज़ को आप वीडियो में देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। एंड स्विमर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप जब भी कोई कंपटीशन में जाएं तो अपनी रेस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेस कंप्लीट करें, ठीक है। एक रेस की स्ट्रेटजी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है कि आपको रेस को कैसे कम्प्लीट करना है तो आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम से कॉम्पिटिशन करने जाएँ तो अपने रेस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लें कि आपको पहले पार्ट किस तरह स्विम करना है, सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट कैसे स्विम करना है, तो एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेस को कंप्लीट करिए। थैंक यू।